नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रजेंद्र ज्ञान एक्सप्रेस में। मैं लेकर हाजिर हूँ सामान्य अध्ययन का अगला मॉक टेस्ट, और इसके तहत हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करते हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम। देखिए यहाँ पर हम पहला प्रश्न देखते हैं भाई, आनंद भवन स्थित है, अर्थात आनंद भवन कहाँ स्थित है। तो भाई यहाँ पर ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली। तो आपको बता दें जो आनंद भवन है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है भाई, ठीक है, इलाहाबाद में। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, अजंता और एलोरा की गुफाओं से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि ये गुफाएं कहाँ स्थित है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है भाई, ठीक है। देखिए ये जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न है ये सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। हम यूपीटेट सीटेट की बात करें सेकंड पेपर की, ठीक है, तो सेकंड पेपर के लिए समान रूप से उपयोगी के साथ साथ आपका ये फर्स्ट पेपर में ईवीएस के तहत भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, अदर एग्जाम में तो है ही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा पर्यटक स्थल उत्तराखंड में स्थित है। तो भाई देखिए कौन सा पर्यटक स्थल क्या पूछा जा रहा है, उत्तराखंड में स्थित है। तो आपको बता दें मसूरी जो है ये एक पर्यटक स्थल है जो कि कहाँ स्थित है भाई, उत्तराखंड में स्थित है। निम्न में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है, ठीक है, पसली जैसे कहते हैं नहीं हड्डी पसली तोड़ देंगे, है ना, तो पसलियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है स्नैक में, सांप में होती है पसलियों की संख्या सबसे ज्यादा। अगला ओडोंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है उसका संबंध किसके अध्ययन से है, यानी कि ओडोंटोलॉजी, ठीक है, डेंटो डेंटिस्ट होता है ना, डेंटोलॉजी डेंटिस्ट, तो आपको इससे याद रहेगा, ठीक, क्या दंत, ठीक है, दंत, ओके, मतलब दांत से संबंधित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी संबंधित है भाई, देखिए ये तो करंट का क्वेश्चन था, इस पर कई क्वेश्चन पूछे गए थे उस टाइम पे भाई। इसकी हाइट की बात की जाए तो 182 मीटर था, ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, ठीक है, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है, ठीक है, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक। नाउ अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल विश्व विरासत स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं है वाले प्रश्नों को आपको ध्यान देना होता है भाई, ठीक है, तो आपको बता दें सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है, काजीरंगा, ठीक है, और ताजमहल, ये सारे शामिल है, लेकिन वानखेड़ा स्टेडियम शामिल नहीं है, ठीक। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्न में से किस कशेरुकी में बहिकंकाल नहीं होता भाई। तो देखिए बहिकंकाल किस में नहीं होता, तो ये होता है एम्फीबिया, ठीक है, ये इसमें जो है कि बहिकशेरुकी नहीं होता है, ठीक है, कंकाल। आगे बढ़ते हैं, ओजोन परत के विनाश से प्राणी मात्र को किस रोग से भय है। तो देखिए भाई भय नहीं बल्कि रोग हो रहा है, ठीक है, ओजोन परत का क्षरण होगा। तो आपको बता दें मैंने जितनी भी ट्रिकी वीडियो बनाई है कमाल की ट्रिकी वीडियो होती हैं, ठीक है, और मैंने आपको बताया भाई, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, गजब गजब की ट्रिक्स हैं, आपको रटने जैसे कितनी रट्टा मार लीजिए, घोलकर पी जाइए, तो घोलकर पीने वाली चीज़ नहीं होती पढ़ाई दोस्तों, ठीक है, इस पर आप बिल्कुल विश्वास ना करें, हाँ आप समझ लीजिए, ठीक है, आपके माइंड में छप जाता है समझने से। तो मैं ऐसी ही गजब की ट्रिकी वीडियो की लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो सर्च करते हैं यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा यूनिक पाठशाला, ठीक है, तो यूनिक पाठशाला आप सर्च करेंगे तो चैनल आपको दिख जाएगा, ठीक है, वहां पर मैं ऐसे ही बहुत गजब की ट्रिकी वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। चलिए तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इस पर भी मैंने ये ईवीएस के तहत कई जो है कि मैंने ट्रिक बनाई है बहुत अच्छी है जो कि परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि जो ओजोन दिवस मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, और इसकी भी मैंने ट्रिक बनाई थी कि 5 जून को पर्यावरण पार्क में 16 सीटर ओजोन पर 22 जैव विविधता में पृथ्वी पर 22 फूल खिले, ठीक है, इसमें आपके 4 दिवस कंप्लीट हो गए एक लाइन में, ठीक है। अब हाँ आप देखेंगे वीडियो तो ज्यादा समझ में आएगा। नो आगे बढ़ते हैं, तो भाई देखिए ये जो ओजोन परत का क्षरण होगा तो यूवी किरणें आएंगी तो वो त्वचा कैंसर का कारण बनेंगी, किसका, त्वचा कैंसर, ठीक है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त तो वृक्ष कौन सा है, तो भाई नीम जो है कि सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, धूल के कणों को रोकने के लिए, ठीक, धूल प्रदूषण को।
भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है, तो भाई ये काजीरंगा है, ठीक है, असम का काजीरंगा अभ्यारण्य। ये आप जानते हैं कि एक सिंह वाले गैंडे के लिए भी बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा गया है, और ये यहाँ पे हाथियाँ भी अधिक पाई जाती हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी मुख्य गैस है, तो भाई देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस होती क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने इसके विषय में विस्तार से बताया था पहले, ठीक है, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, देखिए जो सूर्य ताप आता है, ठीक है, वो क्या होता है, जब ये जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इन गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, ये जो ताप आता है ये रिटर्न हो जाता है बाद में, ठीक है, और इन गैसों की वजह से ये रिटर्न नहीं हो पाता, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, तो भाई कहाँ पाए जाते हैं, अस्थि में पाया जाता है, ठीक है। ये अगला है, शिग्मा रूपी बृहदान्त्र किसका भाग है, तो भाई ये बड़ी आंत का भाग होता है, ठीक है। अगला है, जानु फलक का दूसरा नाम क्या है, तो भाई इसे जानविक कहते हैं, क्या कहते हैं, जानविक कहते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है, बहुत बार पूछा गया है, तो भाई राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान, राष्ट्र का पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर में है, कहाँ है भाई, नागपुर में है। विश्व जल दिवस की स्थिति को मनाया जाता है, ठीक है, तो देखिए विश्व जल दिवस पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। अब देखिए ये भी आपको मैं बता दूं, बहुत गजब की मैंने ट्रिक बनाई है, ट्रिक से आप इसको भी याद रख सकते हैं, ठीक है। मैंने ट्रिक बनाई है भाई, बीस गौरैया 21 वनों में 22 दिनों से जल पी रही थी, 23 को मौसम बना और उड़ गई, ठीक है। तो 20 गौरैया 21 वनों में 22 दिनों से जल पी रही थी, तो 22 का मतलब क्या होता है, 22 मार्च विश्व जल दिवस होता है, ठीक है। आपके चार ठीक है, चार दिवस बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं एक लाइन से, ठीक है। तो ये चीज़ें देखिए जो मैं बता रहा हूँ, जो मुझे याद हो गया है, बस ट्रिक का कमाल है। तो मैं आपको वन सेकेंड दोहरा दूँ कि जो ट्रिक आपको देखनी है तो आप चैनल पर जाइए, ठीक है, वहाँ पर बहुत सी ट्रिकी वीडियो पड़ी हैं, देखिए आप, ठीक है। ये आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, ठीक, ना रट्टा मार सकते हैं ना घोल कर पी सकते हैं भाई, ठीक है। ये कोई चीनी का घोल नहीं जो घोल कर आप पी जाओ, ठीक, ये पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ज़्यादा लंबे समय तक याद रखना है। देखिए रटने में क्या होता है, आपको थोड़े समय के लिए याद रहता है, ठीक है, लेकिन कन्फ्यूजन आ जाती, जब कोई चीज़ आप समझ लेते हैं, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं, तो वो अस्थाई हो जाता है। चलिए फिलहाल क्या विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष कहा जाता है, भाई देखिए जल पुरुष के नाम से जाना जाता है राजेंद्र सिंह को, ठीक है, जल के पुरुष राजेंद्र सिंह, ठीक। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, जस्ट मैंने बताया आपको कि 5 जून को पर्यावरण पार्क में 16 सीटर ओजोन पर 22 जैव विविधता में पृथ्वी पर पाए फूल के लिए, ठीक है, 4 दिवस कंप्लीट हो गए। तो 5 जून को पर्यावरण पार्क में, यानी कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला है, स्टार फिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहते हैं, तो भाई देखिए इसे हीमल तंत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, हीमल तंत्र के नाम से जाना जाता है। एड्स के विषाणु किसे नष्ट करते हैं, तो भाई देखिए ये लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या है भाई, जैसा कि आप जानते होंगे लाइलाज बीमारी, अभी तक इलाज नहीं निकला, हाँ कुछ कंट्रोल किया जाता है, आगे हो सकता है फ्यूचर में इलाज निकला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है, यानी कहाँ स्थापित हो भाई, तो भारतीय मौसम विभाग, मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली में स्थापित है, हमारे भारत की राजधानी में। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है, तो यानी देखिए भाई कहा जाए रक्त धारा में ऑक्सीजन कौन ले जाता है, तो भाई हीमोग्लोबिन ले जाता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन। प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है, तो भाई रक्त को प्राकृतिक कोलाइड कहा जाता है, ठीक है। अगला है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है, तो भाई एक केंद्राणु, ठीक है, ये होता है। अगला है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है, तो भाई देखिए हैदराबाद में, कहाँ है, हैदराबाद में सुनामी वार्निंग सेंटर, मतलब सुनामी आने की चेतावनी दी कहाँ से जाती है, हैदराबाद से दी जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है भाई। मान लीजिए जैसे सुनामी की चेतावनी देनी है तो कहाँ से दी जाएगी, हैदराबाद से, ठीक, हैदराबाद से दी जाएगी कि सुनामी आने वाली है, ठीक। निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आपदाएं आती हैं या होती हैं, तो भाई देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ओडिशा राज्य में सबसे ज़्यादा
आपदाएं होती हैं। कैसी प्राकृतिक आपदाएं? ओडिशा में होती हैं। मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? तो भाई देखिए, मानव मस्तिष्क की बात की जाए तो 4 निलय होते हैं। निम्न में से कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है? तो ठीक है, श्वसन रंजक पूछा जा रहा, तो भाई हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि खून का रंग लाल इसी की वजह से होता है। भारत का सबसे अधिक बाढ़ ग्रस्त राज्य? तो भाई देखिए, बिहार है सबसे अधिक बाढ़ ग्रस्त राज्य। आप कहीं सुने न सुने, लेकिन हर बार बारिश में आप ये देखते हैं कि बिहार में बाढ़ आ गई है। और आपको याद आ रहा होगा बिहार से बिहार की कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, भाई ये क्यों फेमस है ये भी आपको पता होगा। हर साल अपना रास्ता बदल लेती है। ठीक है, रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है, विख्यात नहीं, क्या है? कुख्यात है। तो दोस्तों, ये टेस्ट पेपर आपको कैसा लगा? ठीक है, आप हमें लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाँ, वन सेकेंड मैं आपको याद दिला दूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक जरूर चेक करिएगा, आपको याद रखना है। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।